जन विश्वास यात्रा निकली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में हैं और यहां से उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाई है। इस वक्त इस रथ पर खुद सवार हैं हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मौजूद हैं। स्वागत है सर। सर, ये जन विश्वास यात्रा लेकर के आप निकले हैं, पार्टी निकल रही है, अलग अलग छह जगहों से निकली है। टॉप लीडरशिप जो है वो एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है। कितना लगता है विश्वास करेगी जनता और किस तरह का विश्वास होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है देश के अंदर, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये प्रतीक बना। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष के दौरान जो हुआ है वह हरेक व्यक्ति के लिए, वह मुझे लगता है कि अभिनव भी है, आश्चर्यजनक भी है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस जन विश्वास पर हर स्थिति में खरा उतरेगी और जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहाँ से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहाँ से मुझे कहेगी वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूँ और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी, तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनका आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और उन क्षेत्र, इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री ने आपको उपयोगी कहा, योगी उत्तर प्रदेश को जोड़ करके उपयोगी, कुछ लोग अनुपयोगी शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कैसे देख? देखिए, योगी तो उपयोगी ही होता है। योगी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन माफिया, अपराधी, आतंकवादियों और पेशेवर तस्करों और भ्रष्टाचारियों के लिए उपयोगी रहे दल के लिए मैं अनुपयोगी जरूर हूं, क्योंकि जब किसी माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है तो कैसे स्वीकार करेगा? पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई चलती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसको कैसे भी लोग स्वीकार कर पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है। लोक कल्याण का कार्य हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाया है। आस्था का सम्मान हो, मथुरा ब्रज तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण का हो, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण के साथ साथ पूरा भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, भव्य और दिव्य कुंभ का हो, उत्तर प्रदेश ने हर एक फील्ड में काम किया है और मुझे लगता है जन विश्वास यात्रा उसी का प्रतीक। एक सवाल मुख्यमंत्री जी, कल छापे पड़े हैं, आईटी रेड हुए हैं और आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हमारी फोन टैपिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री सुनते हैं, छापे और इसके देखिए, चूंकि उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही रखता होगा। लेकिन मैंने कहा ना, कल मैं अपने भाषण में मैंने इस बात का उल्लेख किया कि आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं, क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है।
और 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन मैं वही तो उस एक वरिष्ठ मीडियाकर्मी के भाषण को और उनके वक्तव्य को मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा इनका बोखला ये चोर की दाढ़ी में तिनका की सेवाई कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मथुरा से चुनाव तो वो नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात उन्होंने साफ कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आईटी रेड के बाद रिएक्ट किया है, क्योंकि ये उनके वक्त का नहीं है। और दूसरा ये कि फोन टैपिंग पर उन्होंने कहा कि जो खुद ऐसा करते रहे होंगे वही ऐसा सोचते हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक। हम इस वक्त जनविश्वास यात्रा के उस रथ में हैं और रथ में बीजेपी के कई सीनियर नेता हैं जो कि चलेंगे। प्रभारी इस वक्त उत्तर प्रदेश पश्चिम के अर्जुन मेघवाल जी, जो कि एक सीनियर मंत्री भी हैं और साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राजू भैया इस तरफ बैठे हैं, जो जिनका इस इलाके में प्रभाव और कल्याण सिंह के पुत्र हैं। सर ये बताइए कि जनविश्वास यात्रा जो आज निकल रही है, इसका कितना असर होने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा लेकर के निकले हैं और उनकी सभाओं में भी बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। हमें जनता का विश्वास जीतना है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए जो संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि हर 5 वर्ष के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, कोई भी दल सत्ता में हो और कोई दल दूसरा भी अगर राजनीतिक कारणों से उस प्रभाव में हो उसको, तो हम सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश में, हमें वापिस जन आशीर्वाद मिले जनता का, इसके लिए हम यात्रा आज यहाँ से निकाल रहे हैं, ब्रज की मथुरा से, वैसे 6 जगह से उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कि बड़ा समर्थन मिलेगा? निश्चित रूप से लगता जी, मैं तो खुद ब्रज में काफी दिनों से घूम रहा हूँ। नीचे जो कानून व्यवस्था सुधरी है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है। कानून व्यवस्था सुधरने के साथ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पलायन रुक रहा है और जो लोग बाहर चले गए थे वो किसी कारण से इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे हम मथुरा बैठे हैं, तो यहाँ हम जल से नल एक प्रोग्राम को मोदी जी ने हाथ में लिया। मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ, हर घर में जल से नल, यहाँ नल और टूंटी बढ़ने का बड़ा काम है। तो जब टूंटी बनेगी और वो सब घरों में लगेगी तो देश आत्मनिर्भर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए जनता समझ रही है कि मोदी जी की नीतियां ठीक है और मोदी जी की नीतियां धरातल पे उतारने वाला कोई आदमी है तो योगी जी ठीक है। हमारे साथ राजू भैया हैं जो कि खुद इस रथ पे हैं, इस इलाके से हैं। सर ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम और ये इलाका बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज से आपकी भी यात्राएं शुरू हो रही हैं, अभी लगातार अखिलेश यादव की यात्राएं चल रही हैं? देखिए ऐसा नहीं है पश्चिम में और ब्रज प्रांत में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की लहर है और जो कुछ हुआ है 1947 के बाद जो नहीं हुआ था वो हमने पिछले 4.5 साल में करके दिखाया है। हमने हर जगह अपनी योजनाओं के थ्रू सब लोगों का दिल जीता है और ये यात्राएं चल रही हैं। माननीय अखिलेश जी यात्रा चलाते हैं तो उनकी तो मजबूरी चलाना, लेकिन हमारी जो जन यात्रा है, हमने इससे पहले एक परिवर्तन यात्रा और चलाई थी जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन करके दिखाया और ऐसा परिवर्तन करके दिखाया कि 325 सीटें हम लोगों को जनता के आशीर्वाद से मिली। लेकिन सर इस तरह के 22 के चुनाव में हम 325 प्लस करेंगे। लेकिन इस तरफ का जो इलाका है पश्चिम का, प्रभारी भी और घूम भी रहे हैं मेघवाल साहब, ये बताइए कि जाट बहुल इलाके हैं और कहा जा रहा है कि जाट अभी भी नाराज हैं, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि कुछ जाट समाज के लोग नाराज हों, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जाट समाज का भाजपा के साथ है। तो जो लोग इस वक्त इस रथ से निकलेंगे, इस पूरे इलाके में बीजेपी के जनविश्वास रथ को लेकर चलेंगे, हम उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं में इस वक्त उत्साह देखा जा रहा है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक।
बीजेपी ने बड़े ही फैनफेयर के साथ 6 जगहों से पूरे उत्तर प्रदेश में इस जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मथुरा में थे और मथुरा क्या बीजेपी के एजेंडे में होगा उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इशारा साफ है जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां से इसकी शुरुआत की है। तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब बीजेपी ने जब अपनी यात्रा शुरू की है तो इसका कितना असर होता है। उधर मुख्यमंत्री ने आज कई बातें कह दी। आईटी छापे पर उन्होंने साफ कह दिया कि आईटी छापा वही लोग डर रहे हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका है, और ये उनके वक्त का नहीं है, ये कांग्रेस के वक्त का है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक। एक और चलो ऊपर से हमें तरफ आ जाना, ऊपर से मेरे तरफ आ जाना, रोल ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाई है जन विश्वास यात्रा को मथुरा में। जी हाँ, मथुरा इसलिए क्योंकि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का भी नाम सियासी हलकों में बहुत तेजी से इस वक्त लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के जरिए कम से कम पश्चिम के इलाके में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। बाकी और 5 जगहों से भी जो यात्रा निकल रही है उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इसके अलावा स्मृति ईरानी, साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम नेता इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी यात्राओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं। देखना यह है कि इन यात्राओं से कितना जनविश्वास पैदा होता है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि काम करने के बाद अब वो लोगों को एक बार फिर उसी स्तर पर जोड़ पाएगी, या फिर लोगों का वही लोगों मुख्यमंत्री ने आज अखिलेश यादव के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज अखिलेश यादव के उन आरोपों का जवाब दिया, आरोप ये कि बीजेपी हार से बौखलाकर ये छापे डलवा रही है, इनकम टैक्स के छापों की बात। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक से खास बातचीत में ये कहा कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है वही डर रहा है, और ये जो छापे हैं ये उनके वक्त के नहीं हैं, कांग्रेस के वक्त के हैं। लेकिन इसमें डरना क्यों, बौखलाना क्यों? एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, मुख्यमंत्री इनकम टैक्स के छापों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दिया। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार डर कर बौखला कर इस तरीके के छापे डलवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके वक्त के नहीं है, ये तमाम मामले आय से अधिक संपत्ति के हैं और ये सब कांग्रेस के वक्त के हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो फिर दाढ़ी में तिनके जैसी बात क्यों आ रही है? साफ तौर पर इशारा अखिलेश यादव की तरफ है। एक बात और, फोन टैपिंग के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये काम उनका नहीं है और जो लोग ऐसा करते रहे हैं वही ऐसा सोचते हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के सवालों की के जवाब देने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक।